क्वेश्चन में sec x minus 1 upon sec x plus 1 मतलब numerator upon denominator. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्वेश्चन 2 जिसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का मतलब sec x minus 1. फिर sec x minus 1 करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे sec x plus 1 का. पहले से हमारे पास है sec x plus 1 और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x. फिर sec x minus 1 और डिफरेंशिएशन फिर से आ गया sec x tan x के अपॉन में है sec x plus 1. अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है sec x tan x, तो बचा हमारे पास sec x plus 1 माइनस का sec x plus 1, ये कैंसिल हो गए और अपॉन में है sec x plus 1 का स्क्वायर. तो फाइनली आंसर बन गया 2 sec x tan x अपॉन में sec x plus 1 का स्क्वायर.